ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान् प्रत्यन्दमद्यद्भुतान् गोपान् वत्ससुता दर्शयदजं विष्णु न शेषांश्चय शम्भुर्यत् चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा अहो चित्रमहो चित्रम् वन्दे तत् प्रेम बंधनम् यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये अध्यात्म तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गो गोविंद गोपाल
आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्येक प्राणी इस प्रश्न के हल करने में लगा है। कब से? सदा से, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव सदा से प्रत्येक क्षण केवल इन्हीं दोनों प्रश्नों के हल करने में प्रयत्नशील है, किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि ये दोनों प्रश्न हल नहीं हो सके, जिसका परिणाम दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, असंतोष, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश का बंधन, 84 लाख योनियों की जेल यातना, अरे दुखों का वर्णन किया जाए तो एक पुस्तक तैयार हो जाए। हम लोग कैसे इतना दुख सह लेते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक क्षण को चैन नहीं, और हमारा नेचर है आनंद पाना, शांति पाना, सुख पाना। और उसी लक्ष्य के लिए मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों को हल करना बहुत विशद विवेचन किया गया तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला
कि हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं। माया हाँ, एक शक्ति है माया, हमारे अतिरिक्त एक और शक्ति है माया, और इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान एक और है भगवान ब्रह्म। कोई नाम रख दो, उसके अनंत नाम है। और यह भी बताया शास्त्रों वेदों ने कि ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है। वेद कह रहा है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा श्वेताश्चतुरोपनिषद 6:16 सकारणम करणाधिपाधिपा श्वेताश्चतुरोपनिषद 6:9 चरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्मानादीशते देव एक श्वेताश्चतुरोपनिषद 1:10 द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतं त्वविद्या अविद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य श्वेताश्चतुरोपनिषद 5:1 भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर शासन करने वाला, नियामन करने वाला भगवान। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान और पुरुष जीव माया का अध्यक्ष भगवान। इसी माया के कारण मैं भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है, न आ सकता है। लेकिन अनंत जीवों को ये ज्ञान हुआ है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और उन्होंने मेरे को प्राप्त भी किया है। लेकिन भगवान के बल पर, उनकी शक्ति पाकर, अपने बल पर नहीं, अपना बल भी होता है। बड़े बड़े योगी हुए हमारे संसार में, तपस्वी हुए, कर्मी धर्मी हुए, ज्ञानी हुए, और बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम किए, यहां तक कि नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने, ब्रह्मा के बराबर कमाल कर दिया। एक त्रिशंकु राजा था, उसने विश्वामित्र से जाकर कहा हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये सब तो जरा कानून के खिलाफ है, तुम वशिष्ठ के पास जाओ, वो हमसे बहुत बड़े संत हैं। वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा भाई ये ऐसा कानून नहीं है भगवान का, मरने के बाद तुमको हम भेज देंगे।
ना ही हमको तो इसी देह से स्वर्ग देखना है। राज जिद्दी राजा है, भाग यहां से। गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र ने कहा इनके लड़के हैं कई, वो तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ, वो भी भेज सकते हैं। उनके पास गए, उन्होंने कहा हाँ मैं भेज तो सकता हूं, पिताजी से पूछ आऊं। वशिष्ठ से पूछने गए, वशिष्ठ ने कहा ऐसा बदतमीज राजा है, मैंने जब रोक दिया तो मेरे बेटों के पास गया। उन्होंने रोक दिया बेटों को, उसको नहीं भेजना स्वर्ग। गए फिर विश्वामित्र के पास, उन्होंने कहा नहीं भेजते वो लोग तो मैं भेजूंगा तपस्या के बल पर। उन्होंने स्वर्ग की ओर भेजा, वो गया कुछ दूर, वशिष्ठ ने हाथ ऐसे किया, रुक जाओ, हमारा अपमान करके तुम जा रहे हो स्वर्ग। अब वो बेचारा न नीचे आवे न ऊपर जाए, वहीं रुक गया। विश्वामित्र ने कहा खैर रुके रहो, मैं वहीं पर स्वर्ग बना देता हूं, नया स्वर्ग। ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे देश में हुए, लेकिन मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सके। वही विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए, ये सो जाए तो चुपके से जाके इसको मार डाले, क्योंकि बहुत बार युद्ध किया, हर बार हार गए विश्वामित्र। ये क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे, वो जीत जाते थे। वशिष्ठ के बाल पास भगवान का बल था और विश्वामित्र के पास तपस्या का बल था, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर सका विश्वामित्र भी। तो अपने बल से तमाम बातें आश्चर्यजनक तो पा लेगा मनुष्य, लेकिन माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, ये दो लक्ष्य अपने बल पर न कोई पा सका न पा सकेगा। क्यों? बार बार आपको बताया है, इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, इसकी गति दिव्य जगत में नहीं है। लिमिटेड पावर बड़ी बड़ी पा लेगा, अनलिमिटेड भगवान वाली कोई वस्तु नहीं पा सकता। इसी प्रकार यद्यपि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं, लेकिन कर्म के केवल कर्म के द्वारा हम स्वर्ग भी पाना हमारा कठिन है कलयुग में। कठिन क्यों? असंभव है। कली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म का पालन धर्म का पालन तो दूर रहा, उसको जानना असंभव है। ये धर्म वेदों का इतना उलझा हुआ है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न भई विदुर ऋषयो, बड़े योगींद्र मुनींद्र ऋषि मुनि नहीं जान सके, देवता सरस्वती बृहस्पति नहीं
जान सके करना तो आगे वाली बात, 6:3:19 भागवत, नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। उद्धव से कहा भगवान ने, कर्मकांड का अंत नहीं है। 11:27:6 नैकांततः प्रतिकारः कर्मणाम कर्म केवलम। 4:29:34 भागवत, कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता, धर्म से कर्म का बंधन समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा, फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं लोग?